मैं आपका होस्ट पृथ्वीराज और मैं आपका होस्ट रोहन। आप पहुंचे INA दिल्ली हाट मार्केट। कालीन भैया कैसे हो? अरे बहुत सारे कालीन है यहाँ पे, तांडव हो रहा है आजकल। अरे उसकी तो बात ही मत कर। तो वेलकम टू DFW एक्सप्लोर। आज की अपनी डेली स्ट्रीट फूड एक्सप्लोरेशन की जर्नी कंटिन्यू करते हुए मैं आपका होस्ट पृथ्वीराज और मैं आपका होस्ट रोहन। आप पहुंचे INA दिल्ली हाट मार्केट और करने वाले हैं यहाँ पे मौजूद बहुत सारे फूड स्टॉल्स का रिव्यू और टेस्ट। तो चलिए चलिए चलते हैं। बट एक चीज़ पूछनी थी आप लोगों से। मैं आपका होस्ट रोहन हूँ और ये पृथ्वीराज है। बस देखने के लिए था कि आप लोगों को अभी तक हमारे नाम याद भी हुए हैं या नहीं हुए। चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पर्टिकुलर इंस्टाग्राम अकाउंट पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पृथ्वी कह रहे थे इतने दिनों से रो रहा था, फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। और जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 10,000 होते ही उसके बाद हम नया कंटेंट और एपिसोड्स लाने वाले, तो बने रहिए और चलते हैं आज मार्केट। रोहन यहाँ पे क्या सिस्टम है कि हर 15 दिन पे इनके टेंडर पास होते हैं और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे दिया जाता है अपॉर्चुनिटी आने का। वैसे कुछ स्टॉल्स हैं जो मैं परमानेंटली देखता हूँ। एक वहाँ पे स्केचिंग का है, हमेशा ही रहता है वहाँ पे, और फूड स्टॉल्स परमानेंट है। तो आज हम जो भी खाने वाले हैं वो हमेशा ही रहेगा। ओके तो चलिए। खुद को देख रहा है कैसा लगता है? बचपन याद आ गया। यूरोप चलना है, एशिया। बड़े दिन हो गए हैं बाहर। जंगल ही छोड़ाता हूँ, वहीं के लिए बना तू। अच्छी बात है, यहाँ आके आप दुनिया घूम सकते हैं मात्र 100 रुपये में तीनों जगह। बढ़िया, वही 5 मिनट के अंदर। हाँ हम पागल हैं। इसका कारण क्या है कि क्लासिकल है और अमेरिकन है ये। चार्ल्स वाटसन ने बनाया था, अमेरिकन वैज्ञानिक ने। आप कह नहीं सकते नकली बंदर देख रहा है। दोपहर हो रही थी, बिल्कुल रियल बैठा हुआ, सेम साइज नेचर। तो चेंज होगा, 10 आएगा इसमें। क्लासिकल है, मेमोरी कार्ड वाला नहीं है, तो इसलिए इसमें टाइम इतना ही होता है, इसलिए 3 लगाया। फिर ये दिखाएगा वर्ल्ड का, फिर एशिया का, फिर थाईलैंड का डांस है। तुम्हें लगेगा स्टेज पे सबसे आगे तुम ही बैठ के देख रहे हो। अच्छा। रियल में ठीक है। वीडियोस हैं इसमें, वीडियोस तो है ही, लेकिन इतनी चमत्कारिक हैं पूछो मत, कि लगेगा असली में चमत्कार। जंगल के लिए तो अंकल बंदर तो रखा हुआ है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। बंदर की बात नहीं है, आप स्टूडेंट हो, जैसे आपको आप दोनों एक टिकट में देख सकते हो। वाह वाह। तो अंकल जी का ऑफर है स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे आए अंकल जी से मिलिए और इसका लुक तो जरूर उठाइए। बड़ा मस्त है, चलो देख रहे। तो रोहन जैसे देख रहे हैं तू, शिलोंग, उत्तराखंड, अवध, नागालैंड, वेस्ट बंगाल जहाँ हम जाएंगे, सारी जगह के लगभग सारी जगहों का रिप्रेजेंटेशन फूड का यहाँ पे है। और आपको ऑथेंटिक और वो दिल्ली में लपेटा हुआ उनका राज्य ऐसा खाना भी मिल जाएगा। तो ठीक है, इन्हीं रास्तों से होते हुए गुजरते हैं, लोगों को थोड़ा बहुत फूड के स्टॉल्स भी दिख जाएंगे और फिर सबसे पहले चलते हैं नागा किचन मोमोज खाने। मोमोज खाने तो दिल्ली से नागालैंड भले ही बहुत दूर है, लेकिन नागालैंड का खाना दूर नहीं है। तो चलिए। तभी हम नागालैंड्स किचन पर बैठे हुए हैं। नागालैंड्स किचन पर नहीं, नागालैंड्स किचन यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आए हुए हैं। और इनकी काफ़ी एक अच्छी बात लगी कि यहाँ पे सैनिटाइजर्स वगैरह जगह जगह पर हैं, बेसन में हैंड वॉश वगैरह भी है। और जो भी मेन्यू है सारा उन्होंने व्हाट्सअप कर दिया हमारे को। तब हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाएँ। मोमो आने के बाद खाइए तो। सैल्यूट। दारू नहीं है भाई, कमेंटों में मत लिखना। बढ़िया फूड वगैरह। ओ भाई क्या लग रहे हैं मोमोज। तो आ गए हैं हमारे शानदार नागालैंड के मोमोज।
बहुत शानदार मोमोज थे पिछली बार, इस बार देखते हैं। मज़ा आ गया। क्या बढ़िया चटनी है ना इनकी। नो डिसअपॉइंटमेंट्स, मतलब अगर आप आइए ने आए मोमोज के शौकीन है, नागालैंड किचन का मोमोज खाए। हमने बहुत जगहों के खाए हैं, यहाँ पे उत्तराखंड वालों का भी अच्छा है मोमोज, लेकिन नागालैंड वालों की ऑथेंटिसिटी, स्टफिंग बहुत शानदार। और अंदर जो ग्रीन अनियन का फ्लेवर आ रहा है और हल्का सा गार्लिक का हिंट, और कोई फ्लेवर नहीं है, और वही, और जूसी चिकन, जूसी, और साथ में ब्रॉथ भी है। चिकन ब्रॉथ, साथ में हमने फ्रूट बियर ऑर्डर करी है, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन रहा है सर्दियों के लिए। वो ब्रॉथ आपको हमेशा ही मिलेगा जब भी आप नागालैंड किचन आएंगे, मोमोज के साथ ये स्टैंडर्ड है उनका। और मोमोज का साइज देखिए, और अंदर तक स्टफिंग भरी हुई है। इनकी चटनी बड़ी ऑथेंटिक है, बहुत ही बढ़िया, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, लेकिन वो जो नॉर्थ ईस्टर्न चिली का फ्लेवर आता है ना, बहुत बढ़िया आ रहा है, किक बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो मुँह जला भी नहीं रहा। तो अभी यहाँ पर चिकन मोमोज खाए, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल थे मोमोज में, चिकन जड़ तक भरा पड़ा था, और साथ ही में फ्लेवर्स बहुत ही डेलिकेट थे। एक दो चीज़ों का ही स्वाद आ रहा था, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक और ग्रीन अनियन का स्वाद, और ऊपर से काफ़ी जूसी और थिन लेयर थी काफ़ी ऊपर मोमोज के ऊपर, और साथ में जो कॉम्प्लीमेंट करती जो उनकी रेड चिली चटनी थी, अमेजिंग। और अगर आपको, अगर एक सिंगल बंदे को अपना पूरा पेट भरना हो ना 170-180 रुपये में, तो ये प्लेट ले लीजिए चिकन मोमोज की, अच्छे से आपका पेट भर जाएगा, 8 पीस मोमोज मिलेंगे और एक चिकन ब्रॉथ मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी हम और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप पर। थोड़ा राजस्थानी कुछ खा के देखते हैं। राजस्थान आए और प्याज कचौड़ी ना खाई तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लेट्स ट्राई प्याज कचौड़ी। यप, तो हमने ऑर्डर करी है खंबागढ़ी राजस्थान फूड स्टॉल 9 नंबर से प्याज कचौड़ी। थोड़ी सी सौगी लग रही है कचौड़ी है, हाँ वो क्रंचीनेस नहीं आया, बट अंदर प्याज तो भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। ये देखिए थोड़ी सी खुशबू उठ चुकी है हवा में, आलू भी डले हैं रोहन प्याज के साथ। प्याज महंगे हो गए हैं पृथ्वी। टेस्ट करते हैं, चटनी का रंग अच्छा है, उसके अंदर थोड़ी सॉल्ट भी मिलाई हुई है। राजस्थान तो प्रसिद्ध है अपनी चटनियों के लिए। है मज़ा नहीं आया, नॉट रिकमेंडेड। खैर जैसा देखने में अच्छी लग रही थी, जैसा एंथनी बॉर्डन ने कहा है कि जब तक आप 50 खराब चीज़ें नहीं खाएंगे तब तक आपको मैजिकल डिश नहीं मिलेगी। तो बट कचौड़ी तो ऐसी चीज़ है कि बहुत दफ़ा खाई हुई है, बट वो चीज़ मिसिंग थी इसमें। अंदर से थोड़ी कच्ची कच्ची भी लग रही थी, प्रॉपरली कुक भी नहीं, कोई रेटिंग नहीं, कोई स्केल नहीं, ठीक नहीं है। खैर कुछ नहीं हुआ तो क्या तजुर्बा तो होगा, हमारा ये वाला तजुर्बा इतना अच्छा नहीं रहा, बट चटनी कहेंगे तो कुछ चटनी खाने के लिए थोड़ी आएगा। खैर ठीक है, और दूसरी जगह जाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं और फिर आगे आपको मिलते हैं।